नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ के ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर, स्टेशनरी व स्कूल बैग क्रय हेतु प्रति छात्र छात्राओं को ₹1200 की धनराशि का अभिभावकों के खाते में DBT के माध्यम से अंतरण प्रक्रिया का आयोजित कार्यक्रम को छात्र छात्राओं, अभिभावकों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में देखा और सुना गया। कार्यक्रम के उपरांत प्रदेश स्तर पर जनपद का नाम रोशन करने वाले इंटरमीडिएट के 9 मेधावी छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी नेहा प्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे आदि के द्वारा मेडल प्रशस्ति पत्र तथा 1,00,000 रुपए का चेक एवं जनपद स्तर पर नाम रोशन करने वाले इंटरमीडिएट 1-1 मेधावी छात्र छात्रा तथा हाई स्कूल के 12 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल प्रशस्ति तथा 21,000 रुपए का चेक उपलब्ध कराते हुए सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि छात्र छात्राओं को अच्छी और सस्ती शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं जिससे भावी पीढ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में योग्यता के आधार पर परिचय लहराते हुए जनपद, प्रदेश व देश का नाम रोशन कर सके। इसी का परिणाम है कि आज अधिकाधिक संख्या में छात्र छात्राएं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हो रहे हैं और जब इसी प्रकार से समयबद्धता के साथ परीक्षा परिणाम व शिक्षण कार्य संपन्न होते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब अपना देश दुनिया में बुलंदियों पर होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करके बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएं। कार्यक्रम के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक श्याम प्रकाश यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार, प्रधानाचार्य कमलेश पांडे सहित गणमान्य नागरिक, छात्र छात्राएं, अभिभावक गण आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।